तो दुकानदार बोला, बहन जी भगवान से डरो, मेरी दुकान कल खुली है। तो एक महीना पहले से कहां से आ गई। पर ये डायलॉग माताओं के परफेक्ट होते, कहीं भी कॉपी पेस्ट हो जाते। तो कबीरदास जी सुन रहे थे आपस में वार्तालाप माताओं का। एक कन्या थी, उसका ब्याह होने जा रहा था। तो उस कन्या की और जो सहेली थी बाकी, उनसे वो कन्या कह रही थी, बातें कर रही थी अपने होने वाले पति के बारे में। बड़े अच्छे हैं, बड़े ऐसे हैं, देखो उन्होंने हमको ये नाक में जो पहनते ना नथनी, ये भेजी है। और धन्यवाद देती जा रही थी, हमारे पति बड़े अच्छे हैं, हमारे लिए नाक का उपहार भेजा है, कितनी सुंदर लग रही है देखो। तब कबीर जी ने दोहा कहा, नथनी दीनी यार ने तो चिंतन बारंबार। कबीरदास जी बोले कि यार ने, मतलब होने वाले पति ने, नथनी दी तो उसका कितना चिंतन कर रही है, बार बार धन्यवाद दी है। नथनी दीनी यार ने तो चिंतन बारंबार, नाक दीनी करतार ने और उनको दिया बिसार। बाबा कबीर बोले कि जिस नथनी को तू नाक पे पहरेगी, वो नाक किसने दिए ये भी तो सोच, उसको भी तो धन्यवाद दे। एक कोई आदमी हमें जन्मदिन पर घड़ी गिफ्ट कर देता है तो हम उस घड़ी देने वाले को बार बार कहते, थैंक यू भैया, आपने बड़ा अच्छा गिफ्ट दिया। पर घड़ी देने वाले को धन्यवाद दिया, पर जिसने समय दिया है उसको कभी धन्यवाद दिया? उसको धन्यवाद देना भूल जाए, उससे शिकायत करेंगे, बस ये नहीं दिया वो नहीं दिया, प्रभु तूने ऐसा नहीं किया, प्रभु तूने वैसा नहीं, ये कर दे वो कर दे, वहां धन्यवाद भूल जाते हो। वहां धन्यवाद दीजिए, इसी को स्मरण कहते हैं, स्मरण। और जब हम स्मरण करेंगे तो स्मरण से क्या होगा, भगवान की याद से क्या होगा? बोला वाणिक प्रसन्नम धन धान्य दानम। इसी तरह की और भी जानकारी लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, साथ ही अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।